नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। जुलूस में जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 14 घायल, एक की मौत। सिद्धार्थ नगर त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के बलुआ चौराहे पर अनियंत्रित ट्रॉली पलटने से 14 लोग घायल हो गए हैं। आपको बताते चले कि आज 12 रवि अव्वल था। मुंडिला मिश्रा के बच्चे ट्रैक्टर से जा रहे थे इटावा जुलूस में, जिसमें ट्रॉली अनियंत्रित हो गई, उसमें बैठे 14 लोग घायल हो गए हैं। एक लड़की रास्ते में इटावा सामुदायिक स्वास्थ्य ले गए हैं, जहां पर उसकी मौत हो गई है, जिसमें से 6 लोग की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। चलिए, इसमें लगभग 12:50 के आसपास काफ़ी संख्या में एक्सीडेंटल लोग आए यहाँ पे। बताया जा रहा है कि शायद वो ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से हुआ है ऐसा, और यहाँ पे आने के बाद से लगभग माइनर इंजरी वाले और मेजर इंजरी वाले लगभग 20 के आसपास रहे हम लोग, जिसमें से 9 लोग ज़्यादा सीरियस लग रहे थे, तो उनको हम लोगों ने पहले गोल्डन आवर में पहले शॉर्ट आउट कर लिया। और हमारी टीम जो है पूरी की पूरी, यहाँ 6 डॉक्टरों की पूरी टीम थी, हमारे अधीक्षक सर डॉक्टर बैद सर और मैं स्वयं डॉक्टर संजय गुप्ता और मेरे कोलीग डॉक्टर संतोष राय, डॉक्टर संदीप द्विवेदी, डॉक्टर RP गौर, सभी लोग उपस्थित थे। हमारे सारे फार्मासिस्टगण और ये सारी टीम जो है, तब आज स्पेशली हम लोग अलर्ट थे, वैसे मौके पे वैसे भी आज वापस हमारा आपात होने की वजह से काफ़ी उसको ध्यान में रखते हुए हमारी इमरजेंसी टीम काफ़ी एक्टिव थी। समय से हम लोगों ने सबका ट्रीटमेंट किया और उसमें से लगभग 7 या 8 लोगों को जिले पे रेफ़र किया गया। रेफ़र करने के लगभग आधे घंटे बाद लगभग 1:30 के आसपास वो आफरीन नाम की बच्ची को उसके अटेंडेंट वापस ले के आए, तो पता चला कि वो मतलब उसको वाइट चेक करने के बाद से, उसके CPR करने के बाद से और सारे वाइटल्स चेक करने के बाद से नो मोर। बाकी तो सारे लोगों को हम लोगों ने एम्बुलेंस से 108 से सुरक्षित और बढ़िया से फर्स्ट एड दे करके जिले पे रेफर किया।